हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा हमीरपुर शहर में फिट भारत आंदोलन के तहत राष्ट्रीय खेल दिवस आयोजित किया गया। सबसे पहले सभी शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने शपथ ली कि मैं समय निकाल कर खुद को भी फिट रखूंगा और अपने आसपास के लोगों को भी फिट रहने का आह्वान करूंगा और इसे जन आंदोलन के रूप में बनाऊंगा। लगभग 200 विद्यार्थियों ने एक जागरूकता रैली निकालकर सभी नागरिकों को फिट रहने का संदेश दिया। ये आयोजन विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर राजेंद्र गुलेरिया की देखरेख में आयोजित किया गया, जिसमें सभी शिक्षकों ने हिस्सा लिया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने इस आयोजन पर बधाई देते हुए बताया कि आज व्यस्तम दिनचर्या में आवश्यक हो गया है कि हर एक को कम से कम 20 से 30 मिनट तक हर रोज फिट रहने के लिए योगा वो शेयर करनी चाहिए, जो कि दिनचर्या का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि इसी सोच के साथ विश्वविद्यालय में इसी सत्र से योगा कोर्स भी शुरू किया गया है और उन्होंने सभी विद्यार्थियों से कहा है कि जिसके पास मोबाइल की सुविधा है वे फिटनेस ऐप से अपने बारे में हर रोज फिटनेस आंकलन कर सकते हैं। कुलपति ने बताया कि विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर से संबंध कॉलेजों से जो खेल अकेडमी खोलने के इच्छुक हैं उनसे प्रतिवेदन मांगा है और कुछ कॉलेजों से इसका आग्रह भी आया है कि आने वाले वर्षों में विभिन्न स्थानों में खेल अकेडमी भी स्थापित की जाएगी। अलमाइटी पब्लिक स्कूल में डीपी सुशील कुमार के नेतृत्व में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय के एमडी कुलवीर सिंह ने विशिष्ट अतिथि तथा स्कूल संस्थापिका पूजा मिन्हास ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्हें बैच लगाकर तथा पुष्प गुच्छ भेंट करके सम्मानित किया गया। जमा 2 के छात्रों ने मार्च पास्ट किया, जिसकी सलामी कुलवीर सिंह और मैडम पूजा ने ली। क्रियाकलाप इंचार्ज अर्चना सिंह ने बताया कि वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 2 दिन किया गया। पहले दिन नर्सरी से लेकर कक्षा 4 तक, दूसरे दिन कक्षा 5 से जमा 2 तक के छात्रों की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी, जो कि कल होगी। कक्षा नर्सरी की फ्रॉग रेस में वीरांगना ने प्रथम तथा नर्सरी की जलेबी रेस में दुर्गेश यादव अनिकेतन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। एलकेजी कक्षा की फ्रॉग जंप रेस में लड़कों में काव्य प्रथम तथा कार्तिक द्वितीय स्थान पर रहे। 15 मीटर दौड़ में काव्य कार्तिक प्रथम तथा द्वितीय, साइना और दिव्यांश तथा तृतीय स्थान पर अनन्या और हर्षित रहे। 30 मीटर की दौड़ में प्रथम इनाया और इशांत रहे। द्वितीय अर्णव और दिव्यांशी और तृतीय स्थान पर महक और कार्तिक रहे। कक्षा 4 की बोरी रेस में सनाया और आशित प्रथम रहे। सेजल और अवकाश द्वितीय और आरुषि तथा हिमांशु तृतीय स्थान पर रहे। प्रधानाचार्य इंदु बाला ने बताया कि बच्चों ने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में भाग लिया। हमें इस बात का गौरव है कि ड्रिप इरिगेशन योजना एवं मृदा हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत पूरे देश में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से हुई। टोनी देवी मंदिर में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा द्वारा आयोजित 1 दिवसीय कृषि गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल उपस्थित जन प्रतिनिधियों एवं किसानों को संबोधित करते हुए ये शब्द कहे। इस किसान गोष्ठी में जिला हमीरपुर के सभी विकास खंडों से 450 किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर प्राकृतिक खेती के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका निरीक्षण मुख्य अतिथि ने किया। जिला हमीरपुर में इस समय 977 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। March 31, 2020 तक जहर मुक्त खेती का प्रशिक्षण देने के लिए 4000 किसानों का लक्ष्य रखा है। इस मौके पर उपस्थित कृषकों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य रखा है वह प्राकृतिक खेती के जरिए हासिल किया जा सकता है। किसान भाई कैसे प्राकृतिक खेती एवं जीरो बजट खेती को अपनाकर अपनी पैदावार को बढ़ा सकें, इससे जुड़े हर पहलू और हर जानकारी को आत्मा प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को किसानों तक अधिक से अधिक पहुंचाना चाहिए। प्लास्टिक से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के ऊपर चिंता प्रकट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2009 में हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना था जहां पॉलीथीन का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई थी।
यही नहीं, अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं जो प्लास्टिक की पैकिंग में आती हैं उनसे उपजे प्लास्टिक के कचरे को यहाँ वहाँ न फेंक कर उसका भी इस्तेमाल कर उसके दुष्प्रभावों से पर्यावरण को बचाने की योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने तब बनाई थी। योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में घर घर से प्लास्टिक का कचरा पंचायत को बेचा जाना था, जिसको आगे पंचायत पीडब्ल्यूडी विभाग को बेचती है और पीडब्ल्यू विभाग उस प्लास्टिक को सड़क निर्माण कार्य में उपयोग में लाना था। इस के लिए प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग के हर डिवीजन को श्रेडर मशीन उपलब्ध करवाई गई और इस योजना पर काम भी हुआ। फलस्वरूप सड़क निर्माण में आने वाली लागत में 25,000 से 30,000 रुपए प्रति किलोमीटर की कमी आई थी। उन्होंने खुशी प्रकट करते हुए बताया कि आज राष्ट्रीय स्तर पर इन तीनों ही योजनाओं को अपनाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मौके पर किचन गार्डन की व्यवस्था दोबारा अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि आज गांव और शहरों में प्राय देखा जाता है कि पक्के मकानों एवं पक्के आंगन बनाने के चक्कर में लोगों ने किचन गार्डन बनाना छोड़ दिए हैं, अन्यथा ये व्यवस्था भी पूरी तरह प्राकृतिक अथवा जैविक खेती का ही एक रूप थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक कृषि के लिए गोवंश को उपयोगी बताते हुए कहा कि गाय अपने दूध के अलावा गोमूत्र एवं गोबर के कारण भी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि प्राकृतिक खेती करने के लिए रासायनिक खादों को दरकिनार कर पूरी तरह पशुओं के गोबर पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः किसानों को गाय पालनी चाहिए तथा गाय में भी देसी पहाड़ी गाय आदि हो तो वह सर्वोत्तम होती है, क्योंकि वह सूर्य की किरणों से सीधा ऊर्जा लेती है और उसका दूध और भी ज्यादा पौष्टिक होता है।